लोकसभा चुनाव के बीच सीएम नायडू को झटका, जल्द देंगी इस्तीफा। देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव के मतगणना में बीजेपी ने अच्छी लीड बना रखी है। इसी बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बड़ा झटका लगा है, जिसके चलते अब वह जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की वोटिंग के साथ ही आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव की भी मतगणना की जा रही है, जहां पर मतगणना में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी ने 149 सीटों पर बढ़त बना रखी है। वहीं सीएम नायडू की पार्टी मात्र 25 सीटों पर ही आगे है। इसके अलावा अभिनेता पवन कल्याण की पार्टी जनसेना भी सिर्फ एक विधानसभा सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। बता दें कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी मतगणना की शुरुआत से ही आगे चल रही है। इसके अलावा वाईएसआरसीपी ने प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर भी बढ़त बना रखी है। वहीं टीडीपी सिर्फ 25 सीटों पर आगे है। खबरों की माने तो प्रदेश में मिल रहे रुझानों के अनुसार टीडीपी की विदाई तय मानी जा रही है, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायडू इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि अब प्रदेश की सत्ता पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस काबिज होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वह 30 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।